हेलो एवरीवन, आज मैं संगीता एप्पल सी स्वीट बता रही हूँ और वो स्वीट आप देखना मैं किस तरीके से तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए पहले मैंने आधा किलो मैदा लिया है और ये 150 ग्राम मैंने सूजी ली है। दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया है और जिस बाउल से मैंने ये सूजी ली है उसी बाउल से मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। घी को मैंने गर्म करके और पिघाल लिया है और अब इसको मैं इसके अंदर अच्छे से मिला देती हूँ। तो आपको ये देखना है कि ये आटा है वो हमें किस हिसाब से और कैसे मोइन लगा के तैयार करना है, क्योंकि मेन जो हमारे इसके अंदर स्टेप है वो यही है कि इस आटे को हमें किस तरीके से तैयार करना है और ये मोइन है वो कितना हमें लगाना है इसके अंदर। तो मेन चीज़ हमारी यही है। देखो आटा है हमारा इस तरीके से पूरा भीग जाना चाहिए ये, ताकि हमारे हम जो भी चीज़ बनाते हैं, चाहे आप पेठा बनाओ, चाहे आप गुजिया बनाओ, चाहे आप कुछ भी बनाओ इससे, तो वो सॉफ्ट बने आपका। तो इसी तरीके से देखो ये हमारा पूरा हाथ से इसकी मुट्ठी बन जाए इस तरीके का आटा है वो हमें ये मोइन लगा के तैयार करना है अच्छे तरीके से। ये पूरा हमने मोड़ लगा के तैयार कर लिया है और मैंने ये बाउल से ही पानी लिया है। जिस बाउल से मैंने घी डाला है उसी बाउल में मैंने ये गर्म पानी करके डाल दिया है। पानी इसमें धीरे धीरे करके मैं थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी और जितना पानी हमें इसमें चाहिए उतना ही आपको बताऊँगी कि किस हिसाब से हमें ये डो तैयार करना है। एक साथ पानी कभी भी इसमें नहीं डालना चाहिए और ये डो है वो हमेशा थोड़ा सा टाइट और थोड़ा सॉफ्ट मलारा लगा के इसको थोड़ा सॉफ्ट तैयार करना होता है। तो पहले से हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें अच्छे से ये डो है वो बना के तैयार करना है। ये इसी तरीके से हमें डो है बनाना है। एक पूरा बाउल है हमारा पानी का इसमें लग चुका है और आधा बाउल के करीब है इसमें पानी हमारा और यूज होने वाला है। इसी बाउल से ही हम ये पानी है वो नाप के लेंगे। आधा पानी मैंने और डाला है इसमें। मैंने सूजी इसके साथ इसलिए ली है क्योंकि खाली मैदा का बनाते हैं तो वो नुकसान करता है और सूजी बनाने से इसके अंदर थोड़ा सा दाना हो जाता है और हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो भी इससे सही होता है। मैदा है वो हमारे शरीर में जाके चिपक जाती है, इसलिए हमें जो भी बनाना हो, तो चाहे आप मठरी बनाओ कुछ भी बनाओ, तो मैं हमेशा इसके अंदर सूजी है वो ऐड कर लेती हूँ, जिससे क्या होती है कि मैदा का इफ़ेक्ट है उसके अंदर कम दिखाई देता है। हमेशा मैदा के अंदर आपको सूजी मिला के ही इसको यूज़ करना चाहिए। सूजी की मात्रा आप कम या ज़्यादा रख सकते हो, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस पानी है वो सूजी है थोड़ा सा ज़्यादा सोखती है और डो को हमें थोड़ा सा सूजी फूलने के लिए इसको थोड़ी देर सेट करने के लिए और 15 से 20 मिनट है वो छोड़ना होता है, ताकि सूजी है वो अच्छे से इसके अंदर फूल जाए। ये देख लीजिए आटा है हमारा इसी तरीके का हमें तैयार करना है। इसमें और पानी नहीं डालूंगी मैं और इसी को ही अच्छे से मलाव लगा के और इसको अच्छे तरीके से छोड़ दूंगी। आटा हमारा ये पूरा तैयार हो चुका है इसी तरीके का। अब इसको हम ढक के और 15 से 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। कढ़ाई ले रहे हैं और इसमें गैस मैंने शुरू कर दी है। अब इसके लिए मैंने ये सामान लिया है, इससे मैं आपको गुजिया की स्टफिंग बता रही हूँ कि गुजिया की स्टफिंग किस तरीके से करती है। सबसे पहले मैंने ये घी लिया है, घी को कढ़ाई में डाल देती हूँ। घी को गर्म होने देती हूँ अच्छे से
ये मेवा लिया है, मेवे को आप अगर कट करना चाहते हो बारीक और तो आप कट कर सकते हो। आप इस किशमिश के भी दो दो टुकड़े बना सकते हो ताकि ये बड़ी बड़ी आपको ना दिखाई दे। इसको दो दो पीस में आप काट के तैयार कर लो। और काजू के टुकड़े हैं वो भी आप बारीक बारीक तैयार कर सकते हो। इस तरीके से ये मैंने पीसी हुई इलायची ली है और ये मावा लिया है और ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है। तो घी है हमारा गरम हो चुका है, मैंने ये एक कटोरी के करीब ही लिया है। ये 50 ग्राम नारियल का बुरादा है, इसको ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा ही भून के तैयार करना है। और इसी के साथ ही मैं ये मावा और इसमें डाल देती हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा इसके साथ ही फ्राई हो जाए। ये स्टफिंग बनने के लिए टाइम नहीं चाहिए ज़्यादा, फटाफट बन जाती है स्टफिंग। इसी में ही मैं ये ड्राई फ्रूट और डाल देती हूँ ताकि ये भी थोड़े से इसी के अंदर ही फ्राई हो जाए अच्छे से। आप गुजिया भी दो तरीके से तैयार कर सकते हो, एक सिंपल गुजिया और एक लेयर वाला गुजिया है। और ऐसे ही चाशनी का भी गुजिया आप बना सकते हो और बिना चाशनी वाला भी। अगर लंबे समय तक आपको रखना है तो आप बिना चाशनी वाला गुजिया है बना के और घर के अंदर आप डब्बे में बंद करके और 15 से 20 दिन तक आप इनको यूज कर सकते हो। तो ये हमारी सिक्के अच्छे से खुशबू आने लगी है इसमें से और हमारी स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। अब इसमें पिसी हुई चीनी है और इलायची है, ये मेरे को दोनों को डालना है लेकिन थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको डालेंगे। और आज मैं आपको लेयर वाले गुजिया है वो आपको बनाना बताऊंगी। सिंपल गुजिया तो आप सभी बनाते होंगे, लेयर वाला गुजिया है किस तरीके से तैयार करते हैं वो आज आपको मैं सिखाऊंगी। ये हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी पिसी हुई चीनी है वो मीठे के हिसाब से, कम ज़्यादा मीठा आपको किस हिसाब से चाहिए। मैंने जितना मावा लिया है आधी कटोरी उतनी ही ये चीनी ली है और इसी के अंदर ही ये पिसी हुई इलायची का पेस्ट है वो मैं इसके अंदर मिला देती हूँ, क्योंकि इलायची हर मीठी जो भी आप स्वीट बनाते हो उसमें सब में आपको इलायची का टेस्ट है वो अच्छा लगता है, देखो पसंद भी आता है सबको। अगर इलायची किसी को ना भी पसंद हो तो आप इसको छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है। ये हमारी अब स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है, इसको हम अलग से एक बाउल में निकाल के और तैयार कर लेंगे। इतनी देर हम अपने डो को संभालते हैं, वो तैयार हो चुका होगा। और ये हमारा गुंजिये का संचा है, इसके अंदर थोड़ी डिज़ाइन है वो पहले से बनी हुई है अंदर। ऐसे ही प्लास्टिक में भी आते हैं, जो भी आपके पास जिस भी शेप का हो वो आपको यूज़ कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप इसको हाथ से वैसे भी फोल्ड करके और अच्छे तरीके से बना सकते हो। देखो आटा हमारा सॉफ्ट बनके एकदम से तैयार हो गया है। अब इसके हम इस तरीके से चार पार्ट्स है वो कर लेते हैं। जितनी आपको लेयर चाहिए उतने ही पार्ट आप बना लो। तो मैं ये तीन पार्ट है वो बना के और इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। इस तरीके से अब इनको हम बेल के और थोड़ा पतला बना लेते हैं। ये आटा मेरा पहले से ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, चाहे आप इसमें बिना लेयर वाले बनाओगे वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। अब ये मैंने घी का और मैदे का वो पेस्ट बनाया है,
ये से लेयर है आपकी बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। इस तरीके से एक एक हम बेलते जाएंगे और ये हमारी ऊपर से इसके ऊपर सेट करते जाएंगे दूसरी तरीके से। तो इस तरीके से हम इनको पहले बेलेंगे। हमने तीन पीस बनाए थे, तीनों को मैंने एक के ऊपर रख के और इनको थोड़ा सा हमें अब बेल के और इस तरीके से रोल करना है। रोल करके हम इसकी पतली पतली कटिंग है उस तरीके से हम कर लेंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे रोटी की तरह या आप पूड़ी की तरह लोई बना लेंगे। इसको इस तरीके से बेल के और हमें थोड़ा सा पतला तैयार करना है और फिर हमें इसके पीसीज बनाने हैं। और सिंपल वाले आप गुजिया आपको बनाना है तो उसके लिए हम सीधी डायरेक्ट गोलियां बनाते हैं और फिर हम बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ये रोल तैयार कर लिया है। अब इसका एक कॉर्नर है साइड से, हम थोड़ा सा काट के इसको अलग कर देंगे और फिर एक पूड़ी के आटे के हिसाब से हमें एक सवा इंच के करीब है ये पीस इस तरीके से काट के और हमें ये तैयार करना है। इस तरीके से मैंने इनके पीस है वो बना लिए हैं और इनको हम इस तरीके से सीधा रखेंगे और रख के और फिर पूड़ी के आकार का बेल के और इसकी स्टफिंग है वो स्टफिंग इसमें भर के तैयार कर लेंगे। तो अब मैं इनको पहले पूड़ी के आकार में बेल लेती हूँ। ये इसी तरीके से इन संचे के अंदर मैं आपको बताती हूँ। मैंने तीन चार बना के तैयार कर लिए इतनी देर में। आप इनको हाथ से भी बना सकते हो, सारी प्रोसेस है वो आपको मैं अच्छे तरीके से सिखा दूँगी। ये इस तरीके से मैंने ये जितना बड़ा आपका संचा है उतनी बड़ी आप हमने ये पूड़िया है वो बना के तैयार कर ली है लेयर वाली। अब इनके किनारे पर मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ ताकि अच्छे से फिट हो जाए। हमारा आटा है वो ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट बनाया है ना मैंने, इसलिए अब इसको एक चम्मच है वो गुजिए का हमारी फिलिंग है इसमें वो भर के तैयार कर लेती हूँ और इसको अच्छे से दबा देती हूँ। एक्स्ट्रा जितना भी हमारा ये पीस है इसके साथ है, वो हम अलग कर लेते हैं और इसको वापस इस तरीके से खोल लेते हैं। ये देखिए चारों तरफ से आपका पूरे अच्छे से बंद होना चाहिए और अगर बंद नहीं हो तो आप थोड़ा सा इनको इस तरीके से उंगली से आप दबा भी सकते हो ताकि और अच्छे से बंद हो जाए। इसी तरीके से मैंने ये जितनी पूड़ियाँ बेल के तैयार की है ये इसी तरीके से हम एक एक करके रखेंगे और वापस इनके थोड़ा सा किनारों पर पानी लगाएंगे। और एक साइड है हमारी ये मावे का और नारियल का जो हमने तैयार किया है ये इसके अंदर भरेंगे और फिर इसको दोनों को पकड़ के और इस तरीके से जोड़ लगा के और इसको बंद कर देंगे। कढ़ाई ले ली हमने और इसमें फ्राई करने के लिए इनको घी या तेल आप जो भी चाहें वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये जब तक गर्म होता है तब तक हम इसी तरीके से ये सारे बना के और अपने तैयार कर लेते हैं। और गैस को हमें ज़्यादा फुल नहीं रखना है, बिल्कुल लो फुल लो के गैस के ऊपर ही गर्म करके और इसको बनाना है। तो इस बात का हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि गैस है वो हमारी फुल नहीं होनी चाहिए, मंदी मंदी गैस के ऊपर ही हमें अच्छे तरीके से ये बनाना है। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब ये बनाए हुए गुजिया है ये इसमें हल्के से धीरे धीरे करके डालना है और बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना इसके अंदर, नहीं तो इनको पलटते समय खुलने का डर रहता है। और गैस को मैंने एकदम से कम कर दी है
देखिए हमारे ये एक साइड से सिक चुके हैं थोड़े। अब इनको हल्के हाथ से बार बार में इनको नहीं छेड़ना है, नहीं तो इनके फटने का डर रहेगा हमारे। इनको बहुत ही हल्के हाथ से एक एक करके हमें इनको पलटना है, क्योंकि ये लेयर वाले हैं इसलिए इनकी लेयर खुलेगी इसके अंदर घी में। तो इसलिए हमें एक तो गैस भी कम रखना है, और साथ में मैंने इनके में सूजी डाली है, तो सूजी वाले वैसे भी खस्ता होते हैं, इसलिए इनको बहुत ही हल्के हाथ से हमें तैयार करना है। ज़्यादा घुमाते हुए नहीं रहना है। ये देखिए इनकी लेयर है, वो इस तरीके से फटने लगी है। इसलिए हमें ज़्यादा इनको घुमाना भी नहीं है और ज़्यादा इनको पलटना भी नहीं है। देखिए ये हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इनको अच्छे से सेक लिया है, और ये देखो कितने अच्छी इनकी सिकाई है। जितना अच्छा आप इनको कम गैस के ऊपर सेकोगे उतना ही इनके लिए अच्छा है, ये अंदर तक अच्छे से सिक के तैयार हो जाएंगे। अब इसी तरीके से मेरे ये और बचे हुए गुजिया है, वो भी मैं इसी तरीके से इनको तैयार कर लेती हूँ। हमने अब एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया है, और 3/4 बाउल है ये मैंने पानी का लिया है। अगर गिलास से नापे तो ये आधा गिलास पानी है। अब मैंने ये चीनी ली है, ये 300 ग्राम चीनी के करीब मैंने इसको लिया है। अब आपको मैं इसकी चाशनी बनानी बता रही हूँ। ये चाशनी आप सब में यूज़ कर सकते हो। चाशनी बनाने का तरीका खाली यही होता है कि इस चाशनी को आप पानी के अंदर चढ़ा दो और एक तार बनने तक आप इसको पकने दें, और गैस इसके ऊपर आप फुल रख सकते हो, कम करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको इस तरीके से हम चाशनी बनाना है वो चढ़ा देते हैं। चाशनी हमारी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और अच्छे से इसमें तार बनने लगा है। तार बनने का तरीका है कि हम इस चलनी के ऊपर और इस तरीके से देखिए, ये हमारा एक तार है वो बनके तैयार हो चुका है, और अब ये चाशनी हमारी तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे। अब ये जो गुजिया हमने बना के तैयार कर रखा है, इस गुजिये को इसके अंदर डिप करेंगे, और फिर एक एक करके और प्लेट के अंदर निकाल के रख देंगे। तो इस तरीके से हम इनके ऊपर चाशनी की कोटिंग है वो हम कर सकते हैं। ये सारे गुजिया मेरे अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। मैंने इसकी चाशनी के अंदर इलायची पाउडर नहीं डाला, क्योंकि इसकी हमने जब अंदर का भरावन तैयार किया था तो उसके अंदर मैंने इलायची है काफ़ी अच्छे तरीके से डाल दी थी, इसलिए ज़्यादा इलायची का टेस्ट भी क्या है ख़राब लगता है, तो इसलिए मैंने इसकी चाशनी में इलायची नहीं डाली है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो, और शेयर ज़रूर करना ताकि सब लोग इसकी रेसिपी है वो ले सके। जोधपुर की फेमस मिठाई का आनंद है वो सब अच्छे तरीके से ले सके। तो अगर आप पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।